हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि बैंक्स प्राइवेट होने वाली हैं। गवर्नमेंट ऑलरेडी बोल चुकी है कि कुछ बैंकों को वो प्राइवेटाइज करेगी। बैंक एम्प्लॉयज स्ट्राइक पर थे, तो यहाँ पर सभी लोग बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा, बैंक एम्प्लॉयज़ को क्या नुकसान होगा या कॉर्पोरेट्स को क्या फ़ायदा होगा। लेकिन किसी को भी फार्मर्स की कोई चिंता नहीं है, कोई भी फार्मर्स के बारे में बात नहीं कर रहा कि बैंक प्राइवेटाइजेशन से उनको क्या इम्पैक्ट होगा। तो किसान भाइयों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ कि आप पर आप क्या इम्पैक्ट इसका पड़ने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे बैंक प्राइवेट होने वाले हैं, यहाँ हमने कुछ ही बैंकों के नाम दिए हैं, लेकिन ये कोई भी बैंक हो सकता है। तो आज हम आपसे 10 प्रश्न पूछेंगे और उसका प्रश्न का उत्तर अगर आपका ना के रूप में है तो आप मान लीजिए कि बैंक प्राइवेटाइजेशन आपके लिए नुकसानदायक है। तो आज के प्रश्न हम शुरू करते हैं। किसान भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपका किसी भी प्राइवेट बैंक में खाता है? शायद आप इसका जवाब ना में ही देंगे। क्या आप मुझे बताएंगे क्या आपके गांव या गांव के आसपास के किसी भी गांव में प्राइवेट बैंक है? क्या आपके गांव में किसी भी प्राइवेट बैंक का एटीएम लगा हुआ है जिससे आज तक आपने कोई भी पैसा निकाला? आपके गांव में सरकारी बैंक के कर्मचारी तो आते जाते ही रहते होंगे, लेकिन क्या कभी कोई भी प्राइवेट बैंक का कर्मचारी, अधिकारी, बैंक मैनेजर आपके पास किसी भी काम से मिलने आया? आप इस वीडियो में बने रहिए, मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपके अभी तक के जवाब तो ना में ही होंगे। अगर हाँ में हैं तो भी आप अपना कमेंट में लिख के जवाब दे सकते हैं। चलिए, हमने मान लिया कि आपके गांव में कोई बैंक नहीं है, लेकिन आपके पास के शहर में तो प्राइवेट बैंक होगा ही। क्या आपने कभी भी वहाँ पर किसी भी KCC या अन्य ग्रेड के लिए अप्लाई किया? शायद नहीं। क्या कोई भी प्राइवेट बैंक आपको सरकारी योजना का लाभ देता है? क्या आप बताएंगे कि आप अगर खाता खुला भी लेंगे क्या उनके मिनिमम चार्जेस दे पाएंगे? क्या आप वहां पर मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे? दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं कि आपका अधिकतर जवाब ना में ही आएगा। मैं जानता हूं क्योंकि मैं भी ग्रामीण इलाके से बिलोंग करता हूं, और मैं बताना चाहता हूं कि ये प्राइवेट बैंक आपके किसी भी काम आने वाले नहीं हैं। गवर्नमेंट ने जो ये सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने के लिए जो मुद्दा चलाया है या करने जा रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है, और आप इसके चक्कर में बिल्कुल मत आइए और इसका विरोध करिए। आपकी लड़ाई आपको खुद लड़नी है, कोई और आपको बचाने आने वाला नहीं है दोस्तों। तो आज ही इसी वक्त शुरू हो जाइए, विरोध करिए। थैंक यू।